हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसकी डिटेल को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है राजधानी कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आती है। तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया गया है, साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ये देखिए एप्लीकेशन लिंक है, इसके थ्रू आप अपना फॉर्म डालेंगे, बैक जाएंगे तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हमने कर लिया है, तो ये वो नोटिफिकेशन है, 25/4/2022 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे ही मुझे पता लगा, मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, काफी सारे नोटिफिकेशन निकल के हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के, जिसको मैं वन बाय वन करके अपडेट करूंगी। और ये सारे ही नोटिफिकेशन जिसमें हिंदी सब्जेक्ट स्पेशली होता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट से ही अपडेट करती हूँ और पीएचडी एडमिशन की अपडेट भी देती हूँ। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। तो ये जो नोटिफिकेशन 25/4 को आउट हुआ है, तो इसका जो क्लोजिंग डेट है 21/5/2022। यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। टोटल 13 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हिंदी 6वें नंबर पे है। टोटल 2 सीट है, एक सीट है ओबीसी कैटेगरी में और एक सीट है एससी में। अनरिजर्व एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में कोई सीट नहीं है, डैश डैश करके, तो 2 ही टोटल सीट है, बाकी आप अपना डिपार्टमेंट देख लीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्लोजिंग डेट दी गई है 21/5/2022। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जो निकली है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 55% मार्क्स चाहिए और साथ ही नेट आपका होना चाहिए, और जिन्होंने नेट नहीं किया है तो उनका पीएचडी होना चाहिए। बाकी यहाँ पे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसमें सेकेंड नंबर पे देखिए मेंशन किया गया है, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शेल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो साफ साफ मेंशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम आपका नेट तो होना ही चाहिए। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसको आप भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं मेन मेन ही बताऊंगी जिसको जरूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोफोमा दिया गया है, जिसको आप कह सकते हैं क्राइटेरिया, जिसके बिहाफ पे आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, जिसमें आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद पीआरएफ, नेट रिसर्च पब्लिकेशन कितनी की है आपने, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, अवार्ड कितने लिए हैं आपने, ये सारे आपका टोटल स्कोर के बिहाफ पे आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, जिसमें टोटल 100 है स्कोर दिया गया है। उसके बाद और नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं, जिसको आप एक बारी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं मेन मेन बता देती हूँ। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है एप्लीकेंट के लिए, जिसमें यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 500 आपकी फीस लगेगी, जिसमें कोई फीस जो नहीं लगेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, और वुमेन एप्लीकेंट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ये आप मेंशन किया गया, देख सकते हैं आप। नीचे और स्क्रोल डाउन करेंगे तो पेमेंट किस तरह से करनी है, वो सारा मेंशन किया है। और जनरल इंस्ट्रक्शन में फिलहाल तो यही कुछ मेन है, बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको पढ़ भी सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप इजिली वेबसाइट पे विजिट करके खुद से भी डाउनलोड करके एप्लीकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट उतना खास नहीं है, जो मेन मेन था मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वो पूरा नोटिफिकेशन है 14 पेज का, जिसको मैंने आपको बताया। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।